सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अर्बन ब्लैकबर्न फोटो एडिटिंग करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम ऐप की सहायता से। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना, वो भी बहुत ही आसानी से, तो हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन दोस्तों, लेटेस्ट एंड स्टार्ट। सो हे गाइस, सिंपली आपको अपना लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना होगा और अपनी फ़ोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमने फ़ोटो ऐड कर ली है। तो आज इस फोटो की एडिटिंग करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने अकॉर्डिंग से फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो जैसे आप फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, आपके इधर साइड में कुछ इस तरह से एडिटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो देन दोस्तों, आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एडिटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो देन दोस्तों, आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। तो आपको सिंपली आ जाना होगा सबसे नीचे की तरफ, और फिर आपको दोस्तों Wintec 07 का ऑप्शन दिखेगा, आपको Wintec 07 के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, और हमारे फ़ोटो में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना होगा डन। और फिर दोस्तों, आपको डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नॉइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर देना होगा +51, और इसकी दोस्तों मास्किंग की वैल्यू को कर देंगे +16। और फिर आप लोगों को दोस्तों कलर नॉइज का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, आपको कलर नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आपको कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों +32, और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू को कर देंगे +60। और फिर आप लोगों को डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना होगा। और फिर सिंपली आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और फिर आपको इसकी क्लियरिटी की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों, हल्का सा बढ़ा देंगे इसको, कर देंगे +25, और इसकी डीहेच की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों +10, और इसकी टेक्सचर की वैल्यू को कर देंगे -49। और फिर आपको विग्नेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। और आपको इसकी अमाउंट की वैल्यू को कर देना होगा -54, और फिर आपको इसके मिड पॉइंट की वैल्यू को कर देना होगा +36, और आपको इसकी फीडर की वैल्यू को कर देना होगा +100, और आपको इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर देना होगा +36, और फिर आपको इसकी भी इफेक्ट के ऑप्शन को डन कर देना होगा। और फिर आपको दोस्तों लाइट का ऑप्शन दिखेगा, आपको लाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और फिर आपको इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर देना होगा -25, और इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर देंगे +28, और इसकी शैडोज की वैल्यू को कर देंगे -32, और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों -22, और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू को कर देंगे -44, और फिर लाइट के ऑप्शन को कर देंगे डन। और दोस्तों, लास्ट स्टेप कलर टूल का बचा है, आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ऊपर मिक्स टूल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। और फिर आपको ऑरेंज टोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। और आपको इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देना होगा +44, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -21, और फिर आपको येलो टोन पे क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100, और इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर देंगे -100। और फिर दोस्तों, आपको ग्रीन टोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100, और इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर देंगे -100। देन दोस्तों, आपको इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देना होगा +31, और फिर आप लोगों को सियान ब्लू टोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, और आपको इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100। देन दोस्तों, आपको डार्क ब्लू टोन पर क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे +36, और इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे +37। और फिर आपको ऊपर डन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसको कर देना होगा डन। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, अब दोस्तों ये ऑटो का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप चाहें तो ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप ना करें। तो दोस्तों, अगर ना चाहें तो आप ऊपर अंडू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करके आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। ये देखिए हमारी फ़ोटो पहले की तरफ हो चुकी है।
तो ये हमारी फ़ोटो एकदम दोस्तों परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है। तो जैसा आप बिफोर फोटो देख रहे हैं और आफ्टर कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको दोस्तों शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक करते ही आपको सेव कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक करते ही हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।